हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हम हैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे आने की वजह यह है कि हम कहीं जा रहे हैं। इट्स अ फैमिली ट्रिप, इट्स अ वेकेशन, क्योंकि बच्चों के स्कूल की छुट्टियां पड़ी है तो हम वेकेशन पे जा रहे हैं। अभी आप पूछोगे हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं भोले की नगरी। हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं आया अभी तक। तो हमारा चेक इन हो चुका है, बोर्डिंग पास मिल चुके हैं, तो हम जस्ट रुके हैं। सो गाइस, अभी हम वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फ्लाइट टू बोर्ड इट। और 7:05 को फ्लाइट टेक ऑफ करेगा एंड वी आर गोइंग टू दिल्ली नाउ। दिल्ली इट विल रीच एट 9:15। गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी प्लान ये है कि अभी हम दिल्ली घूमने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो कनेक्टिंग फ्लाइट है वो शाम की है। सो गाइस, अभी हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी भूख लगी है, क्योंकि घर से निकलने के पहले हमने खाया था। तो अभी जैसे ही बाहर निकलेंगे पहले कुछ नाश्ता करेंगे एंड देन सोचेंगे कहाँ पर जाना है घूमने के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ 9:30 घंटे हैं। हमारी जो वाराणसी की जो फ्लाइट है वो शाम को 7:30 बजे है, तो अभी बज रहे हैं 9:30। तो अभी निकलते हैं, थोड़ा घूमेंगे एंड देन बाय 4:30 विल बी बैक टू द एयरपोर्ट। हम गुरुद्वारा बंगला साहब से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसके लिए हमने कुछ शूटिंग नहीं की। तो अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम आगे जा रहे हैं यहाँ से। अभी गाइस, अभी हम आ गए हैं जंतर मंतर। गाइस, यहाँ पे धूप काफी तेज है, लेकिन हवा चल रही है। क्या है ये? भाई, अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट वापस आ चुके हैं। मैं ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग बंगला साहब गए थे जहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था। फिर वहाँ से हम अक्षरधाम गए, अक्षरधाम में भी वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था। हमने सिर्फ जंतर मंतर थोड़ा कवर किया और बाकी का जो चीज़ें हैं वो हमने ऐसी मतलब घूमते घूमते हम लोग कवर किए हैं। मतलब क्योंकि ज़्यादा हम लोग लोकेशंस पे जा नहीं पाए, क्योंकि थोड़ा समय की दिक्कत थी। तो अभी 7:30 बजे हमको दिल्ली से बनारस के लिए, वाराणसी के लिए हमारा फ्लाइट है और अभी 5 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। सो गाइस, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, तो वी आर जस्ट अबाउट टू बोर्ड द एयरक्राफ्ट नाउ। तो गाइस, अभी हम ये बस में चढ़े हैं, बोर्डिंग शुरू हो गया है। आई विल बी गोइंग टूवर्ड्स द एयरक्राफ्ट नाउ। तो यहाँ से अराउंड 15 आवर लगेगा हमको बनारस पहुँचने के लिए। तो जैसे मैंने सुबह कहा था, हम गोले की नगरी जा रहे हैं, काशी। इसको बनारस भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं। तो करीबन 9:30 के करीब हम वाराणसी पहुँचेंगे। वहाँ से फिर हमें होटल देखना है, क्योंकि हम कल पहुँचने वाले थे बाय ट्रेन, लेकिन हमारी ट्रेन की टिकट्स कंफर्म नहीं हुई, इसके लिए आज हम फ्लाइट से निकल गए। तो कल से तो हमारा होटल बुक है, लेकिन आज की रात का हमें कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो गाइस, आप देख सकते हो अभी हम लोग बोर्ड कर रहे हैं फ्लाइट। इट्स अ ओल्ड जेट प्रॉपलर टाइप। और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर लें। आपकी जानकारी के लिए प्राइवेट फ्लाइट पर धूम्रपान और डोमेस्टिक फ्लाइट पर मदिरा पीना वर्जित है, DGCA के निर्देश अनुसार। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं गोले की नगरी वाराणसी में। तो अभी हम बस रुके हैं ताकि हमारा सामान आ जाए, हम इसको कलेक्ट करके निकलते हैं यहाँ से। गाइस, आप देख सकते हो सामान हमने कलेक्ट कर लिया है और अभी हम एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे, वाराणसी एयरपोर्ट से, जहाँ पे हमें जाना है, विच इज़ वाराणसी सिटी। इट्स अराउंड 24 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो कोई टैक्सी हम कर लेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं, क्योंकि अभी हमें होटल भी देखना है। हमारा आज का बुकिंग है नहीं, तो हमें होटल भी देखना है। आई ट्राइड इट ऑन द वेबसाइट, बट देन वो एक अलग किस्सा हुआ, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो दोस्तों, अभी हमें यहाँ पर एक टैक्सी मिला है जो हमें हमारे लोकेशन पे छोड़ेगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं वाराणसी एयरपोर्ट से। करीब आधा पौना घंटा लगना चाहिए हमें पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बनारस और हमने चेक इन भी कर लिया। एक सिंपल सा रूम मिला है, एक ही दिन के लिए हम रह रहे हैं वहाँ पर। तो अभी हम आए यहाँ पर सिल्वर स्पून करके रेस्टोरेंट है खाना खाने के लिए। अच्छा खाना था, तो अभी खाना हो गया, बहुत थक चुके हैं, अभी जाते हैं और सोते हैं। तो जो मैंने बोला था कि थोड़ा सा पंगा हो गया, वो स्टोरी में आपको कल सुनाता हूँ।